कंफर्मेशन ईमेल इन रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए मेटर अब अच्छा अंडरस्टैंड है आपका सिक्योरिटी तोड़ ले दिया वीडियो नहीं यार वीडियो सब वेस्ट है यार वीडियो ले लेना यार बेकार सऊदी एयरलाइंस आपका नाम यूसुफ है मेरा छोड़ो आईडी के लिए स्टाफ नहीं है इसको ये सऊदी की एयरलाइन आज उमरा जाने का हमारा ग्रुप था तकरीबन 200-250 लोग यहाँ 400 लोग है सर 400 लोग है एंड दिस गाय इज आस्किंग अस टू गो बैक बिकॉज द फ्लाइट इज नॉट अवेलेबल टुडे सब लोग एंड एवरीबॉडी इज ऑन एहराम तो ये पोजीशन में आप एक स्टेटमेंट दो क्या जा सकते बाहर आपका नाम यूसुफ है मेरा यूसुफ भाई आप एक स्टेटमेंट दीजिए ही इज फ्रॉम सऊदी एयरलाइंस जी सो आप कोई दूसरी फ्लाइट अरेंज नहीं करवा सकते यहाँ से बिकॉज यू पीपल आर मैनेजिंग राइट अभी की जो फ्लाइट थी ना भाई वो टेक्निकल है तो हाउ कैन यू छोड़ो भाई एक सेकंड फ्लाइट अरेंज होंगे ना तो कल ही हो भाई पूरी बात सुनिए आप सब 10 बार देंगे एवरी स्टाफ इज आपको इस्लाम के बारे में मालूम बिल्कुल मालूम है जरूर आपका भी नाम यूसुफ है जी तो जब हम एहराम पहन के घर से बाहर निकलते तो हम बाहर नहीं जा सकते हम वहीं जाना है हमको आप कुछ भी करिए हम भी नहीं जाते एवरीवन इज इन एहराम कल का स्टेटस होटल ताज कृष्णा पार्क आया था फाइव स्टार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हैदराबाद का यहाँ पर मॉर्निंग 6:00 से बच्चे है वापस जाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर खाने में मालूम नहीं हम लोग सर हमारे को यहाँ पे वो होना चाहिए एक्सटेंशन होना चाहिए मेन आप कुछ बोले थे हमारे एजेंट के बारे में कुछ बोले थे आप बोलिए आप क्या करना चाह रहे हैं आप एजेंट एक्सटेंड करा दो बस नहीं एक मिनट एक मेरे को एक अल्टरनेट फ्लाइट चाहिए हमारे लिए हमारे पास एक 10 लोग नहीं है यहाँ पे 400 के 400 लोग है यहाँ पे 400 के 400 आप लिख के देंगे हम लिख के देंगे आप एयरलाइन को लिख देंगे की हमारे को अजीत आज की तारीख में हमको जाने का है सऊदी जिद्दा जाने का है हमारे पूरे ट्रैवल्स पूरे बुक हो गए यहाँ पे आप अल्टरनेट वाले की बस खराब हुई तो ना बाजू के बाद आप मेरे को एक ही अगर मैं यहाँ वही तो बताऊँ सऊदी से फ्लाइट आना नहीं मैं सऊदी के नहीं चाहिए सब भाई किसी के लिए नहीं एक दिन डिले के लिए भी किसी के कुछ प्लान्स रहते जी बिल्कुल एक दिन के लिए किसी को आना रहता किसी को जाना रहता तो उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कैंसिल कर देते वहाँ पर आप वहाँ पर आओ और आपकी हॉस्पिटैलिटी आपकी सर्विस बेकार है सिंस मॉर्निंग कुछ प्रोवाइड नहीं करी आप लोग ये एक चीज है डिले करने के फूल बना रहे खाली मैनेजर 1.5 घंटे से मैनेजर आ रहा अभी तक मैनेजर नहीं आया था आप ही मैनेजर है 1.5 घंटे से तो दो एक ही मैनेजर रहता बोले दो शिफ्ट का मैनेजर नहीं रहते यहाँ पर सवा 12 को निकला मैं क्या बात कर रहे हैं भैया कौन सा सीसीटीवी देख लेंगे अरे 5 बजे से बैठे हुआ भाई कोई भी नहीं दिख रहा 12 बजे क्या बोल रहे यहाँ पर ये जो है ना ये आभा वाले मदीना वालों अब्दुल रहीम को मैं स्टेशन मास्टर इज अब्दुल रहीम कहाँ है वो अब्दुल रहीम कैन यू टेल मी वेयर इज अब्दुल रहीम He is on another flight. He will come join you shortly. When? No. After this day or tomorrow? आधे घंटे में आता बंदा आप भी चाहने 2 घंटे लगाए आप आने 2 घंटे लगाए यूसुफ भाई मैं पूरा नको चाहिए भाई हमारे सबसे गुजारिश ये है कि मेरे अल्टरनेट फ्लाइट अरेंज कर दिए प्लीज अस्सलाम अभी आज हैदराबाद में जो है तकरीबन 250 पैसेंजर्स पूरे तेलंगाना स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ये उमरे को जाने के लिए सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट SV 755 हैदराबाद जिद्दा बुक किए थे और तकरीबन 6 बजे इनकी रिपोर्टिंग टाइम थी और फ़्लाइट के टाइमिंग थे 10:40 को 10:40 से लेके अभी तक भी अब तकरीबन 7:45 हो रहे हैं हैदराबाद पे एयरपोर्ट पे RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 250 पैसेंजर जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड है और सऊदी एयरलाइंस का पूरा स्टाफ की इतनी बदतमीजी है पूरा तकरीबन एजड पैसेंजर्स है शुगर BP पेशेंट है ना उनको कोई पानी पूछ रहा ना उनको कोई
उनके लिए कोई रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। पहले तो बोले फ्लाइट डिले है, 3 बजे तक यही बोले कि डिले है। 3 बजे ये बोल रहे हैं कि अब आप लोग घरों को चले जाइए, अभी तक कुछ नहीं मालूम, क्यों हो सकता है कि कल फ्लाइट देते आपको या नहीं तो 1 वीक के बाद में आपका जो भी है देखेंगे बोलकर। आप बताइए कि इतनी जिम्मेदार सऊदी एयरलाइंस जो है बहुत ज़िम्मेदार है, लेकिन इस कदर जो लापरवाही की जा रही है RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यहाँ पर इनके जो कमर्शियल मैनेजर है, यहाँ पर उनके जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लाइट डिले है, कुछ वेदर की वजह से फ़्लाइट डिले है बोल रही, तो आपका काम है कि आप पैसेंजरों को इमीडिएट आप लंच सप्लाई करना, आपका काम है कि पैसेंजरों को आप इमीडिएट खरीब की कोई होटल में शिफ्ट करना, कुछ नहीं क्या नहीं, एहराम बने हुए हैं पूरे लोग, अल्लाह के घर को जा रहे हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रहना चाहिए। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि पैसेंजर्स खरीब के पुलिस स्टेशन में जाइए, RGI पुलिस स्टेशन में, सऊदी एयरलाइंस के जितने स्टाफ हैं उनके खिलाफ में कंप्लेंट करिए, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए इनको, और इमीडिएटली जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है यानी कल सुबह की फ़्लाइट में सारे 250 पैसेंजर्स को इनको देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर हैदराबाद में जहाँ पर भी सऊदी एयरलाइंस की ऑफिस है, या तो यहाँ पर या तो जो जहाँ पर हो सकते हैं, हम इनके खिलाफ में एहतजाज करेंगे। बहुत परेशान है, कंटिन्यू वीडियोस आ रही बदतमीजी की इंतहा कर दे रही, पूरे मिलके एक ज़ईफ कोई बेचारे हैं उन्होंने गड़बड़ करे तो उनके आंग पे आके, कोई जवान पुट्टे उनके आंग पे आ जा रहे हैं वहाँ पर, ये है क्या बताइए आप? सऊदी एयरलाइंस का तरीका ये है? फ्लाइट डिले तो हर एयरलाइंस का होता है, लेकिन पैसेंजरों से बदतमीजी कर रही, शुगर पेशेंट है, BP पेशेंट है, थायराइड पेशेंट्स है वहाँ पर, उनके पास एहराम बनने के बाद में दवा तेरी इसकी सख्ती से निंदा करती है। फ्लाइट का डिले होना अलग चीज़ है, लेकिन जो फ्लाइट का जो मैनेजमेंट, जो वहाँ पर जो स्टाफ है RGI पे सऊदी एयरलाइंस का स्टाफ के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस बुक करना चाहिए। सऊदी एयरलाइंस के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि इनको फौरी सस्पेंड करो, इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए।